कैसा पर्दा किए बैठे हो ओ रे जालिम कहाँ रहते हो कैसा पर्दा किए बैठे हो दीदार को हुआ अरसा और देखना मैं तरसा कब मेरे तुम कहलाओगे अब तो सावन भी बरसा हाँ फारिया का फोन भी आया था वो ड्राइवर को भेज रही है बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और यही सूट पहन कर जाओ अम्मी वैसे आपको मना कर देना चाहिए था मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा और वैसे भी आप ही अकेली होंगी क्या करूंगी मैं वहां जाकर क्या सच में एंगेजमेंट आपके लिए एक इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जिसमें दो लोग सोलमेट्स हो जाते हैं Yes, because I strongly believe in love. क्योंकि प्यार से ज्यादा गहरा और मजबूत रिलेशन कोई हो ही नहीं सकता मेरी तबीयत जरा खराब है इसलिए क्या हुआ कुछ नहीं बस सर में थोड़ा दर्द था और बुखार है कैसा पर्दा किए बैठे हो आज तो मैं बहुत थक गई भाई क्या फरीदा बेगम आपको और थकन अभी तो आपने बेटी की एंगेजमेंट की है जब शादी करेंगी तो क्या होगा मुझे मेरा तो पता नहीं अलबत्ता आप जरूर लोनली फील करेंगे आपके होते हुए हम लोनली क्यों फील करेंगे फरीदा बेगम जिस दिन बेटी हमारी गोद में आई थी ना उसी दिन हमने उसे रुखसत करने का हौसला पैदा करना शुरू कर दिया सीरियसली मिनाज आई एम प्राउड ऑफ यू बेटे की ख्वाहिश तो दूर की बात आपने कभी मुझे बेटा ना होने का भी एहसास नहीं दिलाया वो इसलिए कि ना मुझे अपनी नस्ल की फिक्र है और ना अपने नाम की मेरा नाम और मेरी विरासत दोनों मेरी बेटी से जुड़े हुए हैं मिनहाज यू आर अमेजिंग ये आपकी मोहब्बत है फरीदा एनीवे वैसे इस्मत ने बहुत जल्दी अपना मूड ठीक कर लिया आपने अपनी बहन को इतनी खूबसूरत तरीके से जो हैंडल किया तो मूड तो अच्छा करना ही था उन्हें आपको भी तो इतनी मोहब्बत से हैंडल करता हूं By the way, आपने इनका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया इनके इंट्रो की आपको कोई जरूरत नहीं कहाँ जा रहे हो तुम्हें पिक करने आया हूँ तुम्हारी गाड़ी खराब थी मोहसिन मेरी मोहब्बत का आलम तो ये था कि तुम्हें बिना देखे बिना जाने अपने दिल का मालिक बना दिया मेरी मोहब्बत मेरे इश्क की सच्चाई तुम क्या जानो तुम मेरे सामने रजा बनकर आए और मेरा दिल तुम्हारी जानिब खिंचता रहा बस मैं ही ना समझ सकी क्या मैं और मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते क्या रुपया पैसा इतना अहम है कि इंसान अपने नाम से जुड़ा मुकद्दस रिश्ता ही भुला दे पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार करती रही तुम्हें पाने की दुआएं मांगती रही और तुम अपने मफादात से जुड़े नए रिश्ते जोड़ने लगे बहुत बदनसीब हूं मैं जो इस मुश्किल दौराहे पर खड़ी हूं किसी से अपना दुख भी नहीं कह सकती
चाहे कुछ भी हो जाए, ना मैं हिम्मत हारूंगी और ना उम्मीद का दामन छूंगी। क्यों, अब लग रही हो ना फिल्मी हीरोइन, बल्कि उससे भी ज्यादा। काशिफ और अमजद भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये मिठाई तुम्हारे लिए। अमजद चले, तुम रुक क्यों गए? हाँ क्यों नहीं। अरे मुझे ये तो बता दें कि ये मिठाई किस खुशी में लेकर आए, कहीं मेरे मियाँ को जॉब तो नहीं मिल गई है? अरे भाभी, आपके शोहरे नामदार को एक अच्छी सी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मगर इस खुशी में मिठाई नहीं चलेगी सिर्फ, बल्कि अच्छी सी ट्रीट भी चाहिए। जी बिल्कुल भाभी, ट्रीट तो बनती है, लेकिन एक बात है भाभी, जैसे आप खूबसूरत है ना, वैसी आपकी सोच भी खूबसूरत है। क्यों भाई काशिफ? यार मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं रूम में जा। हाँ इससे क्या हुआ, अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक था। पता नहीं, देखकर आती हूँ मैं। क्या बात है यार। उजाला प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है, तुमने जैसे ही कॉल किया मैं घर से निकल गई फौरन। उजाला मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, प्लीज मुझे बताओ। मुझे तो लग रहा था कि अगर मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो मेरा दिल ही बंद हो जाएगा। और अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, प्लीज मुझे बताओ। तुम्हें पता है फारिहा ने आज जिस इंसान से मंगनी की है वो उससे नहीं। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी मुझसे शादी हो चुकी है। मैं जब वहां पे गई मैं हैरान रह गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा। उजाला मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आई डोंट बिलीव दिस, मोहसिन भाई इतने चीप और घटिया हो सकते हैं? वो तो अब ट्रस्ट करने के लायक ही नहीं रहे। मुझे तो लग रहा है सब उन्होंने जानबूझकर किया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मरियम खाला तुम पे इतना प्यार छिड़कती रही और पीठ पीछे। लेकिन मरियम खाला वहां पे नहीं थी। मरियम खाला वहां नहीं थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो सर फट रहा है, गुस्सा आ रहा है मुझे मोहसिन भाई पे। मिनहाज मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं फिर कब आना हो, तो अगर तुम रजा और उनके घर वालों से बात कर लो तो मैं फारिया की शादी करके ही चली जाऊँ। आपा मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ, मगर आपा अभी 2 दिन तो हुए हैं मंगनी हुए, इतने जल्दी बात करना कोई मुनासिब नहीं है। मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में बात कर लूंगा। अगर ऐसा हो जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा, आपा की मुझे हेल्प भी मिल जाएगी और मुझे लगता है इम्तियाज भाई मान भी जाएंगे। चलें ठीक है, अगर आप लोग उनसे बात कर लें तो फिर मैं बासिम और वकार को पाकिस्तान बुलवा लूंगी। ठीक है आपा, आपके भाई ने कभी आपकी कोई बात टाली है? जो अब टालूंगा। फारिया वेयर आर यू गोइंग बेटा? हाय एवरीवन। पापा वो कल उजाला मेरी मंगनी से अचानक चले गई थी तो आई थोड़ा आई शुड चेक ऑन हर। तो बेटा आपने उसे कॉल कर लेनी थी। मैं सुबह से उसे कॉल कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ मगर ड्राइवर के साथ जाना। ओके। आज सुनो बेटा, जरा जल्दी आ जाना क्योंकि रात का खाना हम तुम्हारी फूफी के साथ बाहर खाएंगे। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, मैं आप लोगों को ज्वाइन कर लूंगी। ओके बेटा बाय बाय, टेक केयर। जी आपा,
तो मैं इंशाल्लाह उनसे बात कर लूंगा और आपको बता दूंगा। क्या बात है काशिफ, क्या हो गया? क्या जरूरत है इतना इतना तैयार होने की और उसके बाद एक गैर मर्द के सामने हंस हंस के बात करने की? काशिफ, अरे फाड़ में गया काशिफ, तुम्हें कुछ तो अकल होनी चाहिए। उसकी बीवी घर पे नहीं है और फिर उसके बाद तुम देखो, मुझे इस वक्त बहुत सख्त गुस्सा आ रहा है। तुम यहां से चली जाओ, प्लीज यहां से चली जाओ। हाय हाय। यार मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम आज ऑफिस ना जाना, जरा नाज नखरे दिखाओगे तो अपने आप को मनवाओगे ना। बरकत जी साहब, ऐसा करो छोटे साहब, रजा के कमरे में जो इस तरह के जितने भी तोहफे तहाए वाले पैकेट पड़े हैं ना वो सब ले। जो कम सरकार। क्यों डार? अरे देखें तो सही ना कि तोहफे तहाइफ कितनी मालियत के मिले। प्लीज डार, मेरी कोई शादी नहीं हुई है कि आप दूल्हे को दिए गए कीमती तहाइफ की कीमत जानना चाहते हैं। ओ, शादी से मुझे याद आया, तुम फारिया से बात करके तो देखो, उससे पूछो कि उन लोगों का शादी का क्या प्रोग्राम है, और अगर वो कुछ देर का सोच रहे हैं तो उसे ज़हनी तौर पर तैयार करो, उसे कहो कि अगले महीने हम शादी कर लेना चाहते। For heaven's sake, Dad, कभी तो कोई और बात कर ले। छा? अपने ससुरालियों को नखरे दिखाने की बजाय तो अपने बाप को नखरे दिखा रहा है। सॉरी डार, वो अच्छा वो असलम साहब का प्रोजेक्ट जो है। अरे भाड़ में गया प्रोजेक्ट, तो ये तोहफे खोल खोल के दिखा दे रहा मुझे, मैं अंदाजा लगाऊं कि अबे उठ ले ना। तुम ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत नाराज हूं तुमसे। लेकिन क्यों क्यों उजाला, तुम ये सवाल पूछ रही हो मुझसे? तुम मेरी मंगनी छोड़ के चले आई यार, और बगैर किसी वजह के। तुमने मुझे कोई रीजन भी नहीं दिया। अब मैं यहां तुमसे रीजन पूछने आई हूं, और कोई बहुत ऑथेंटिक रीजन होना चाहिए, वरना मैं नहीं माफ करूंगी। फारिहा, असल में जिस दिन तुम्हारी मंगनी थी उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे फौरन घर वापस जाना पड़ा था। उजाला, आई एम सो सॉरी, आर यू ओके? इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू? मैं ठीक हूँ, मुझसे करनी करो। पता है उजाला, रजा मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि वो इतना अच्छा लड़का है, इतनी मोहब्बत करता है। मैं तो दिन रात उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। ये बातें छोड़ो, तुम्हें ना अपनी नाराज रहोगी मुझसे, ये तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही, गलती हो गई, मान जाओ ना यार। उससे मैं उल्टा सीधा कह दिया मैंने तुम्हें। वाह भाई वाह, आपका गुस्सा हो गया और सामने वाले का खून खुश्क हो गया। अभी बताऊं जाके आपके दोस्त को कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। पागल हो गए तुम, ये चीजें हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते।
कि मेरी गलती है, मुझसे लड़ लो तुम। क्या लड़ूं मैं आपसे, क्या लड़ूं? काशिफ, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं इतने प्यार से आपके लिए तैयार हुई थी और आप। कह तो रहा हूं, माफ कर दो। मेरी सवेरा में गुस्सा करती हुई अच्छी नहीं लगती। चलो गुस्सा थूक दो, आइंदा ख्याल रखूंगा। और तुम भी इन चीजों का ख्याल रख, तुम्हें नहीं पता इन मर्दों के दिमागों का। अच्छा, यानी अभी भी गलत मुझे ही ठहराया जा रहा है। काशिफ, गलती आपकी है, आपको ना बिला वजह गुस्सा करने की आदत है। मगर आप भी एक बात याद रखिएगा, ना तो मैं बच्चों की तरह साबिर हूं और ना ही बेवकूफ। सच्चाई बताने में नाकाम क्यों हो गई? उसके सामने सच क्यों नहीं कह सकी? सही तो कहती है नीका, इसमें मेरा फायदा हो या ना, फारिया का जान लेना बहुत जरूरी है। उसे पता होना चाहिए कि वो जिससे मोहब्बत कर रही है वो किसी और से शादी किए बैठे। मैं उसे किस तरह बताऊं? वो कितनी खुश थी, किस तरह उसकी खुशियों और अरमानों का खून कर दूं? मोहसिन, तुम क्यों दो लड़कियों की जिंदगी से खेल रहे हो? मैं नोट डाउन कर लूं। वैसे उजाला, तुम्हें क्या लगता है मिस शनाज क्या क्या दे सकती हैं पेपर में, कैसा पेपर बनाएंगी? आई मीन वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी ना, कुछ भी उठा के डाल सकती हैं। देखो, जो टीचर बहुत सुपरफिशियल अंदाज में समझाएंगी वो हमेशा सिंपल क्वेश्चन पेपर देंगी, और जो ज़रा डिटेल में समझाएंगी वो लेंथी क्वेश्चन पेपर देंगी। क्योंकि जितनी नॉलेज कोई टीचर आपको देती है उसी हिसाब से आपसे एग्जाम भी लेती हैं। क्या रिसर्च है तुम्हारी उजाला, कहीं तुम आजकल साइकोलॉजी पे बुक तो नहीं लिख रही? वैसे सीरियसली, तुम्हारी बहुत सारी खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि तुम ना बहुत पुरसुकून रहती हो, बहुत सारी लड़कियों के लिए आइडल हो सकती हो तुम। मेरी बटरिंग बस कर दो। मेरी इतनी मिजाज कि मैं तुम्हारी बटरिंग करूं? अच्छा चलो, ये वाले चैप्टर का ना डट्टा मारना।